पहले ऑन बिहाफ ऑफ ग्यामर पादंग का फैमिली का तरफ से भी और ऑन बिहाफ ऑफ पादंग साहब का तरफ से आप लोग को दिल से धन्यवाद। एटलीस्ट एक साल का बाद भी आप लोग हम लोग का इशू पे और पादंग का इशू पे यहाँ पे जुड़ा है और ये जितना जनता आया है हम इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उतना भी आएगा, लेकिन हम लोग पहले से बोला है, जब से इशू शुरू हुआ है हम लोग ना तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए आया है, बस इशू पे आया था। हम लोग पहले से बोला है कि एक आदमी होने से भी, दो आदमी होने से भी, हम लोग पीएजीसी चार पांच आदमी होने से भी हम लोग करा करके जो अपना बात बोलना है हम बोल ही लेगा। लेकिन आज का जितना आप लोग पार्टिसिपेंट्स को आप देख के हम लोग का दिल बहुत खुश हुआ, आप लोग को दिल से धन्यवाद। और इस इशू का चलते जितना भी हुआ है आप लोग देखा है, आज हम इतना नहीं बोलेगा, मेरा पीएजीसी का तरफ से भी कहना है कि जो आपा जो लगाया है एटलीस्ट ये जो 2-3-4 महीना में हम लोग का लड़का को भी लड़की को भी कोलेट्रल डैमेज हुआ है पीजीसी का मेंबर को, हम नहीं चाहता है कि और ज्यादा समय ले, लेकिन इस आज का जो ग्यामर पादंग सार का जो एक साल का जो हम लोग जर्नी है और इस इशू का जो जर्नी है इसका जो समय को हम लेते हुए आप लोग हम वही बोलना चाहेगा कि हम लोग इशू को यहाँ पे रखने वाला नहीं है, जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आएगा हम लोग इशू से एग्जिट नहीं करेगा। और जितना भी जनता है आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग का जितना भी पॉइंट्स है पब्लिक डोमेन पे है, तो यहाँ पे अभी ऐसे नोशन दे रहा है कि इशू सॉल्व हो गया और वो भी दूसरा आदमी नहीं कह रहा है, सीएम अपना खुद कह रहा है। और जब ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब इतना बड़ा मुद्दा को उठाता है, कहीं ना कहीं मेरा मुख से या मेरा जो बॉडी लैंग्वेज से जो भी हो, मेरा इंटेंशन तो साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हम बोलना पड़ता है। बट हम इशू से हटके हम कभी गवर्नमेंट को बोला नहीं, इस इशू पे बोला है, इसलिए ये इशू को आप लोग देखिए, जनता भी देखिए, सीएम ही खुद बोल रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कराना है। और उसके बाद में कोई पेरेंट्स लोग कोई एस्पेरेंट लोग को लगा के भी कोई बोल रहा है कि एग्जाम जल्दी कराना है। अभी जनता आप देखिए 2014 में जो प्यास्को हुआ था, मैक्सिमम जितना भी एपीपीएससी का मेंबर्स ऑफिसर्स को सस्पेंशन किया था उस समय भी एग्जाम को जल्दी कराया गया है, देखो उसमें भी चोर निकला है। और उसके बाद में 2017 में भी ऐसे पेपर लीकेज हुआ था, उसमें भी क्या किया है कि एग्जाम को जल्दी कराने दिया है। देखिए दिस इज सेकेंड टाइम्स, उसे पहले हुआ भी होगा, आप लोगों को पता नहीं होगा 2012 में एपीपीएससी ऑफिस को एस्पिरेंट लोग आग भी जलाया गया था, उसको आप लोग पता नहीं होगा, अभी जो यंगर जनरेशन लोग है ना। और ये जो 2022 है, ग्यामर पादंग और हम लोग दिल ताम लिया था कि इस इशू को एक बार तो लॉजिकल कंक्लूजन देना है, यहां से हम लोग एक बेंचमार्क पिक करना है कि बेंचमार्क रखना है कि और दोबारा ऐसे ना हो। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट लेवल का ऐसे कहना है कि जब भी हम लोग मीटिंग में जाता है यहाँ पे तो सब ऐसे है, तो इसको हम लोग भी क्या करेगा। तो अभी ऐसे हो गया है कि हम लोग एक साल का बाद भी हम लोग सोचना पड़ा है कि तब तो चलो सब चोरी कर लेते हैं, है कि नहीं, सबको पेपर बिक दो। तो ऐसे स्थिति पे अभी आया है कि हम लोग एक साल मूवमेंट को हम लोग का पास पान भी नहीं है, हम लोग किसी यूनियन का जैसे भी नहीं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके और नालो भी अपना फैमिली है, बाकी पीएजीसी मेंबर कोचिंग भी जाता है, कोचिंग भी पढ़ाता है, हम लोग अभी तक लेके आया। लेकिन अभी आप लोग को तय करना है कि इस मूवमेंट को क्या करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो है 2014-17 का उसी ट्रेन पे जा रहा है, उसी ट्रेन पे जा रहा है। हम अभी बोल रहे हैं 2026 में जब ये एग्जाम कंडक्ट होगा ना, नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगा, ये लोग का जो अनफिनिश बिजनेस है, जो पैसा देके लेन देन करके रखा है ना, वो लोग डाल देगा। मिनोती बोरंग को भी ऐसे ही किया था। तो हम लोग वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए, लेकिन आपका रिफॉर्मेटिव पार्ट्स कहाँ है आप बता के देखिए। आप जो ग्यामर पादंग जब नाम लिया और बाकी एस्पिरेंट लोग जब नाम लिया और हम लोग जो पोर्ट प्रोन में ला रहे, अभी हम लोग को धंधा लगा रहा है पुलिस का, तो चलते हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को प्रोटेक्शन दो, व्हिसल ब्लोअर एक्ट लाओ, अभी एक साल हो गया व्हिसल ब्लोअर एक्ट नहीं ला रहा है, इंस्टीट क्या कर रहा है, हमको सस्पेंशन कर दिया, नालों का प्रॉपर्टी ये है, वो बीजेपी टिकट मिलेगा उसका पिताजी, देखो इस तरह से, और हम लोग का एस्पिरेंट को जेल में बंद कर दिया।
और देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है, जो एपीपीएससी का एग्जामिनेशन, हम बोल रहे हैं ये जो जितना भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम आप कंडक्ट कराइए, लेकिन आप जो यहाँ पे दंड नहीं देगा, यहाँ पे क्या करा है, रिपोर्टमेट्रिक पास भी नहीं कर रहा है, और उसके बाद में आप जो पनिशमेंट भी नहीं दे रहा है, ये पनिशमेंट आप लोग जो देख रहा है ना, कुछ होने वाला नहीं। कल को मिनोती बोरंग भी कोर्ट से चुटके आ जाए, हम बोल रहे हैं, ताकि जेरंग को तो आप फूल माला के पहना के जैसे कप्तान रिंगू को क्या था 3 साल रखा है, ये ऐसे ही कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि आप जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आइए, कल को कोई भी ऑफिसर्स, कोई भी एस्पायरेंट्स, कोई भी उसका पेरेंट्स अगर पेपर का खरीद फरोख्त करता है, पेपर सेलिंग या आपका जो पेपर का लीकेज करता है बोलने से, आप एक जो एक लेके आइए, ताकि एक मिनिमम पनिशमेंट हो, ताकि कोई डरे। तो वो चीज को जब हम लोग को 72 आवर्स का पेरेंट्स ने बंद कॉल किया था, उस वक्त में हमारा जो तदक नालो सर इतना कस जंगल में कहां पे बैठा होगा, होने से भी हम लोग ट्राई करके हम लोग का जो इनपुट हम लोग दिया गया है व्हिसल ब्लोअर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, तो इसको अभी असेंबली में हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो असेंबली हो रहा है 4-9, इसमें आप लेके आइए, जितना भी कैबिनेट है, जितना भी हम लोग एमएलए है, आप लेजिस्लेशन इसमें कीजिए ना, बाकी चीज में आप कर रहे हैं, तो ये सब रिफॉर्मेशन आप पार्ट कीजिए, उसके बाद आप जनता को बताइए ना हम लोग ये क्या। अभी नाउ वी आर रेडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, आप कुछ क्या रेडी है, ना एसओपी बना, ना रिफॉर्मेशन पार्ट बना, ना आप वो जो चोर किया उसको पकड़ा, ना तके जयरंग का प्रॉपर्टी कोशिश किया, लेकिन पुरु और नालो का प्रॉपर्टी कोशिश करना है, एग्जाम हजारों पोस्ट भी बाकी, एग्जाम कंडक्ट करना है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो टैक्टिक्स था, हम लोग को प्रेशर करना है, फिर मेरा फैमिली को पकड़ना है, उसका बाद में ऐसे करके सप्रेस करना, ये जब नहीं हुआ, अभी आप देखिए 1 साल का बाद में क्या होता है, 1 मैन कमीशन लेके आता है। तो हम लोग का डिमांड क्या था, हम लोग बोला है सीबीआई लाओ, सीबीआई को ला दिया, ठीक है, ईडी लाओ, ईडी को ला दिया, ठीक है। हम लोग बोला है कि ये ईडी और सीबीआई, हम लोग पहले से मालूम था डबल इंजन सरकार है, हम लोग बोला है कि मैनिपुलेशन हो सकता है इन्वेस्टिगेशन, इसलिए हम लोग बोला है कि ये जो सीबीआई और ये जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, इसको कोर्ट मॉनिटर प्रूव करना चाहिए, हम लोग बोला। और 29 सितंबर 2022 में हम लोग बोला, रिप्रेजेंटेशन अपसू और आंसू का ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन में है। अभी यही अपसू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि सोल्व हो गया। आप लोग सुना ना, एक जो पेरेंट्स है अपना पत्नी को बचाने के लिए बात कर रहा है, और गवर्नमेंट सेम बात वो लोग का सोल्व हो गया बोलता है। तो 1 साल में आप कोर्ट मॉनिटर प्रूफ इस इन्वेस्टिगेशन में कराने के लिए क्या प्रॉब्लम है। और ये चीज को यहाँ का डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलता है कि पुरु और नारो आप लोग को गुमराह कर रहा है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट मॉनिटर प्रूफ कराने में पुरु और नारो का क्या लाभ होगा बता के देखिए। लेकिन आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करके रखा है, 2014 में भी पेपर लीकेज हुआ, ऑफिसर को सस्पेंशन किया, लेकिन उसमें कोई ऑफिसर को टर्मिनेट किया, कोई एस्पिरेंट को टर्मिनेट किया नहीं किया, 17 में भी हुआ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस बार बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है कोर्ट मॉनिटर प्रूफ करना है, लेकिन कोर्ट मॉनिटर प्रूफ के बारे में कुछ बोलता नहीं, सीबीआई लाया आप लोग ही बोला, ईडी लाया आप लोग ही बोला। तो हम बोल रहे हैं कि कोर्ट मॉनिटर प्रूफ करने में क्या चक्कर है, आप लोग का क्या प्रॉब्लम है। 1 साल का बाद में भी बोलता है कि 1 मैन कमीशन लेके आ रहा है। आप सोच के देखिए, 1 मैन कमीशन को हम लोग, वो जो जस्टिस देगा को हम लोग, उसका इंटीग्रिटी को शक नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग बोला है कि जो चेयरमैन लेके आया था 1 साल का चेयरमैन, वो 1 साल का चेयरमैन को किस लिए हम लोग अपोज किया था, हम लोग बोला है कि वो जो चेयरमैन अभी रिफॉर्मेशन पार्ट को कराएगा ना, एग्जामिनेशन पार्ट को कराएगा, ठीक है, वो रिफॉर्मेशन पार्ट को भी करके चला जाएगा, कल को एग्जामिनेशन में और लूपहोल्स होगा, उसके बाद में हम लोग फिर वो चेयरमैन को पकड़ेगा, फिर वो बोलेगा कि उस समय का जो चेयरमैन था वो जानता है। तो हम लोग बोला है कि मिनिमम आप 3 साल का या 4 साल का आप चेयरमैन लेके आइए, सो दैट उस चेयरमैन जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा उसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी हेल्प कर सके। लाइक वाइज ये जो 1 मैन जो कमीशन जो अभी गठन किया है, इसको भी हम लोग क्वेश्चन इसलिए उतारा है कि आप सोच के देखिए, 1 साल का बाद में आप 1 मैन कमीशन क्यों लेके आए, 3 मैन कमीशन क्यों नहीं लेके आया। आप सोच के देखिए, जो यहाँ पे आप पता चल रहा है कि एग्जामिनेशन कितना है, मोर देन 92 एग्जामिनेशन है 2014 से लेके
तू तक का इसको क्या है, 3 महीना से फिर समय दिया वो लोग जस्ट धूल झोंकने के लिए। 3 महीना में, 1 साल में ये लोग नहीं कर सका। अभी जब हम लोग को सप्रेस करने का कोशिश किया, हम लोग उठ के आया। तू भी प्रेंग हम बता रहा है, हम दूसरा आदमी होता तो ये यहाँ पे अभी हम करा नहीं करना था। मेरा बीवी बच्चा को फैमिली को कितना टॉर्चर किया है, और पीएचडीसी लड़का लोग को लड़की लोग कितना टॉर्चर किया, हम लोग मालूम है। ये लोग सोचा होगा हम लोग इस बार डर जाएगा। जब हम लोग उभर के आया है, एक मेंबर कमीशन अभी गठन किया है 1 साल का बाद में, और इसको एंटी नालेवन पार्टी वाला ताली बजा रहा है, पेरेंट्स आप लोग देखा होगा। तो अभी सोच के देखिए, 3 महीना में मोर देन 92 एग्जामिनेशन का ये कमीशन जो कभी रिपोर्ट दे पाएगा, आप लोग बता के देखिए, दे पाएगा, देगा, लेकिन वो लोग क्या करेगा? वो जो लास्ट टाइम में जो 3 मेंबर आईएएस कमेटी रिपोर्ट बनाया था ना, कहीं किसी को इंप्लिक्ट नहीं किया। निपो नाबुम ने उसमें क्या गलत किया, या वो जो तके जेरन ने क्या गलत किया, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। जस्ट उसमें क्या रिफॉर्मेशन पार्ट को सिर्फ लिखा। हम लोग का भी अभी ये एप्रिहेंशन है कि ये जो 1 मेंबर कमेटी जो आया है, जस्टिस देखा ठीक हो सकता है, लेकिन उसको आप मेन पावर नहीं देगा, ठीक है ना? और उसके 3 महीना में वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जनता और पूरा समझना है, एक्सपीरियंस लोग ये समझना है कि देखिए, जितना भी एपीपीएससी में अभी डॉक्यूमेंट्स है ना, अभी एपीपीएससी में नहीं है, सीबीआई का पास है। तो सीबीआई को डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए वो 1 महीना ही लग जाएगा, और उसके बाद में विटनेस को समन करने के लिए जस्टिस देखा को जेल में है तके जरा कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऐसे ही चला जाएगा। तो ये जो चेयरमैन है, हम लोग बोल रहा है कि आप 3 मेंबर जो मेंबर भी लेके आना चाहता और कोर्ट मॉनिटर प्रूव करना चाहे, हम लोग वही बोला है। तो अभी बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा सॉल्व कर दिया, और भी अंदर में इन डिटेल्स में जाएगा। हम लोग टेक्निकलिटीज बहुत बात कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कि इशू को डाइवर्जन करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हमको टारगेट करेगा अभी नालों को, फिर तची राणा को टारगेट करे, उसके बाद में 1-2 लड़का को टारगेट करके हम लोग भी देख रहा है गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी को। तो अभी जिस वजह से हमको मीन्स अभी 15 डेज में ये करना है, रिस्पॉन्स करना है, तो इतना सख्त आप पहले अगर जो चोर ऑफिसर को करता, इसे नहीं होना। और देखिए, हम जनता को और गवर्नमेंट को भी हम अभी बता रहा है, आप जब तक पनिशमेंट नहीं देगा और जब तक आप रिफॉर्मेशन पार्ट नहीं लाएगा, अभी देखो जो टीचर रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम निकला है, उसके बाद नर्सिंग में निकला है, और भी सारा डिपार्टमेंट में निकला है। हम लोग को बहुत आदमी कंटेक्ट करता है कि इसको भी उतार दो, इसको भी बोल दो। देखो, बीइंग एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एस एन एपीपीएससी एस्पायरेंट, और हम अपना परिवार भी है, लेकिन हम सबका तो बोझ नहीं ले सकता। लेकिन एट द एंड हम लोग ये कर सकता है कि जब तक आप पनिशमेंट नहीं देगा, ये चोर तो निकालते रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको मॉरल बूस्टिंग कर रहा है ना, है कि नहीं? अगर गवर्नमेंट मॉरल बूस्टिंग नहीं करता, इतना बड़ा हम लोग 1 साल इशू को लेके आ रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, सुबह शाम हम लोग बोल रहे हैं, होने से भी चोर निकल रहा है कि नहीं? और हम अभी बता रहे हैं, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि टीचर का रिक्रूटमेंट में ऐसे हुआ, वो पोर सिग्नेचर करके क्या बोलता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट मालूम नहीं था बोलता है। देखियो, ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट तजीपुरु तदक नालों का प्रॉपर्टी को सिर्फ चेक कर सकता है क्या? विजिलेंस डिपार्टमेंट जितना भी यहाँ पे ऑफिसर्स है, उसका प्रॉपर्टी को चेक करना है, दिन रात क्या करता है चेक करना है क्या? ये दो अपू आपा लगा के सिर्फ चेक करना है क्या? अगर ये करता, वो टीचर रिक्रूटमेंट में भी घोटाला नहीं निकालना था, अभी नर्सिंग रिक्रूटमेंट में भी घोटाला नहीं निकालना था। ये क्या कर रहा है, आप जनता को मैं बता दो, जो ट्रेजरी में क्या होता है कि जो जितना स्टेट का जो है हेड होता है हर एक स्कीम का, जैसे कि पीडब्ल्यूडी का हेड होता है, पीडब्ल्यूडी का अंदर और भी हेड होता है, अकाउंट जो पैसा वो करता है, जब सेंशन करता है, जब तक आप एक्सपेंडिचर सेंशन नहीं लेगा, कोई भी गवर्नमेंट सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 रुपया सैलरी नहीं दे सकता है। आप सोच के देखिए, इतना 6 महीना से 1 साल 2 साल 6 साल से आप ये जो टीचर को सैलरी दे रहा था, अभी बोलता है कि वो जो ऑफिसर जो नकली सिग्नेचर करके अपॉइंटमेंट दिया है, तो किस हेड से पैसा दे रहा था बताइए? फाइनेंस डिपार्टमेंट तब तो कहां से पैसा दे रहा था? ये तो सरासर स्टेट गवर्नमेंट, हम तो बोलेगा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, अरुणाचल में वही चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर कर रहा है स्कीम को, और हम तो बोलेगा सीएम ही यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसे नहीं करता, अगर आप अगर करप्शन का एगेंस्ट में बात करता है, बोले से आप करके दिखाइए।
जिस वे से हम लोग को टारगेट किया है वो ऑफिसर को करके दिखाइए ना। आप सिर्फ उसको सस्पेंशन करेगा बेचारा, वो तो जो 40-50 लाख में गिना हुआ एक टीचर जो हायर हेड को आप वो करके दिखाइए, उसको नहीं करा। अभी नर्सिंग ऑफिसर का भी देखिए क्या हो रहा है, बोलता है कि टाइम नहीं जुड़ाता ऐसे करके। हम लोग हम देख रहे हैं टेक्निकली तीस हम बोलने से बहुत बोल सकता है, लेकिन हम वही बोलेगा कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का मॉरल बूस्टिंग हो रहा है और कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मॉरल बूस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ वही है, अकेला चोरी नहीं करना है, हम लोग साथ में चोरी करेगा गवर्नमेंट माफ कर देगा, ऐसे चल रहा है ना। जब पीएचडी को टारगेट करता है तो गवर्नमेंट जो बोलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तालुपुतुम सार बोलता है ये लोग टेररिस्ट है, आर्मान टेररिस्ट है, आतंकवादी बोलता है, और जब तो आज से हम आपको आपा नहीं लगा देगा। देखो औकात आ गया ना। हम इसलिए बोला है दूसरा ऑफिसर दूसरा का साथ में पंगा ले लो तचीपुरु आपसे डरने वाला नहीं है। और यहाँ पे पीजीसी का एक लड़का भी डरने वाला नहीं है। आप लोग हम लोग का 3-4 लड़का को बंद करके रखा है, वो लड़का लोग भी आएगा यहाँ पे जनता को आप वो मत। हम इसलिए पहले से बोला है यहाँ पे कोई लोग ऐसे ऐसे ऑफिसर है कि मीन्स तेल मालिश करके, इसलिए हम बोला है साइकोपेन बोला है, साइकोपेन जो तेल मालिश करके जो लोकल भाषा में है ना साइकोपाथ हम नहीं बोला है। इसमें भी कोई मिसकंसेप्शन है कि हम डीसी को साइकोपाथ बोल दिया, ऐसे नहीं। साइकोपेन जो तेल मालिश करके प्रमोशन मिल जाता है डिपुटेशन में जाके डीसी सीसी बन जाता है ना वो है, और उसके बाद में जिसको टारगेट जिसको एक्शन लेना नहीं लेता। आप दूसरा स्टेट में देखो जो डीसी जो आईएएस जो आईपीएस ऑफिसर है ना पॉलिटिशियन का साथ भी लड़ता है उसको तभी मेडल मिलता है, लेकिन अरुणाचल में ऐसे जुगी झोपड़ी को तोड़ो आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसे आप लाचार आदमी को वो करो उसको आप वो करेगा आपको आपा लगेगा फिर आपको प्रमोशन मिलेगा सबासी मिलेगा। तो अभी तो आप देखा होगा कोर्ट से उसको वर्दिक दिया है, कोर्ट का जज ने पूछा है आप क्वार्टर इंक्रोचमेंट को क्यों नहीं किया। अभी हम भी पूछता है क्वार्टर इंक्रोचमेंट पहले हुआ ना ये सोशल सर्विस पहले हुआ आप लोग बताइए। और वो क्वार्टर इंक्रोचमेंट को ठीक है जब जर्नलिस्ट पूछता है तो बोलता है ठीक है हम एक्शन लेगा, लेकिन उसको हम पहले 100 कोज नोटिस देगा। तो हम पूछते हैं हम लोग को भी 100 कोज नोटिस देना चाहिए था क्यों नहीं दिया, और बोलता है कि नहीं नहीं 2 महीना पहले एक्चुअली वो ऑक्यूपाई कर चुका था हम एयरपोर्ट में बहुत जल्दी जल्दी हम गलती से विल बी ऑक्यूपाइड बोर्ड के लिख दिया, एक्चुअली वो 2 महीना पहले ऑक्यूपाई हो गया। उतना तक हम लोग को यहाँ पे फंसाने का कोशिश किया जा रहा है जनता लोग आप लोग समझना है। लेकिन वो डीसी का अभी यहाँ पे पर्दापाश हो गया, एमएलए का सामने में बोल रहा है ना आज से ठीक है हम नहीं लगा देगा बोर्ड। देखो इतना तक आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी को बहुत इज्जत से एस्पिरेंट लोग देखता है, और ये जो एस्पिरेंट लोग जो एग्जाम दे रहा है सीओ बनना है एई बनना है जेई बनना है एसआई बनना है, लेकिन आप तो यहाँ पे डीसी का पोस्ट को मजाक बना के रख दिया तो इंस्पायरेशन कहाँ से मिलेगा आपको देख के, तो कोई भी डीसी बनना नहीं चाहेगा। तो आप पोजिशन को बहुत अच्छा से यूज करना है, एक्चुअली पब्लिक पोजिशन है ना, वो जो डीसी ऑफिस को तो सिनेमा हॉल बना के रख दिया सुबह शाम वो करेगा, और हम लोग जब एस्पिरेंट लोग मिलने जाने से फिर बोलेगा कि टाइम नहीं है हम लोग को मिलता नहीं, बस्ती आदमी का साथ डिबेट करता है, और उतना बात करना है चर्चा करना है मीडिया लेके हम लोग का साथ भी बात करो ना नरेंद्र मोदी क्या है हम लोग बोलेगा है कि नहीं, और ये जो विश्व एक किया है हम लोग बोलेगा। लेकिन आप बुद्धू बस्ती आदमी को बेचारा नालिन बोहित का डिफिनेशन पूछेगा, इसलिए हम एक्चुअली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अभी हम दिल से हम बोलेगा आज का दिन में हम भी टेक्निकलिटीज उतना नहीं बोलना चाहता था, लेकिन भी जब जनता लोग आप लोग आया है हम लोग भी बार बार प्रेस ब्रीफिंग करने मनने एपीसी में जाएगा या कहीं भी जाएगा तो हम लोग का एक्सपेंडिचर भी होता है, तो आज का मौका को पैदा उतारते हुए आप लोग को हम बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है अभी हम लोग चेंज करना है, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और हमको यहाँ पे एक्चुअली ऐसे बहुत आदमी मेरा दोस्त लोग भी बोलता है अरे आप इशू को ला दिया ना छोड़ दो पब्लिक में छोड़ दो बोलते हैं, हम भी छोड़ सकते हैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिल में लगता है कि नहीं अभी नहीं छोड़ना है, पादन का आत्मा जो शांति नहीं होगा क्योंकि पादन हम लोग को इतना विश्वास होके दिया था इस इशू को ना, तो सपना देखने से भी पता नहीं मान दिल हम लोग को शांति नहीं होता है। तो इसलिए ये जो इशू को लॉजिकल कंक्लूजन लाने के लिए और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी अभी भी वक्त है, लेट्स कम टू द लॉजिकल कंक्लूजन ना।
इशू को सॉल्व करना है। और ये जो इशू को आप दर्द को बीमार को आप ऐसे ही रहने दें कि ऊपर से आप करने से नहीं, पूरा क्योर करना पड़ेगा। क्योर करके उसके बाद में नया उसका सेल को जनरेट करने देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होने से ये इशू ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और जब ये जो हम लोग का जो नेक्स्ट मूव है, आप लोग को मैं बता दो, हम लोग डेमोक्रेटिक मूव ही करेगा। और ये जो असेंबली सेशन है 4 to 9 ये लोग का असेंबली सेशन है। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट को पहले हम बोला है कि एटलीस्ट हम लोग का जो रिफॉर्मेशन पार्ट है अनफेयर मीन्स एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को अभी लेके आइए, और उसके बाद में उसूल रूलर एक्ट को अभी लेके आइए। वो स्टेट गवर्नमेंट का, वो कमीशन का काम नहीं है। और उसके बाद में जो एसओपी बनाना है उसको भी ये लोग अभी तक बने, एसओपी को भी इवन हम लोग भी इनपुट दिया पीएजीसी का तरफ से। हम लोग सब कुछ किया, जितना पेपर वर्क करना चाहिए था हम लोग सब कुछ किया, उसको भी नहीं करा। तो आधा पार्ट जो एसओपी का फाइनलाइजेशन जब नया कमीशन आएगा वो करेगा। लेकिन हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहा है कि विद इन दिस व्हाट कॉल दिस असेंबली सेशन में आप ये एक्ट को लेके आइए, सो देट रिफॉर्मेशन पार्ट जो जो भी एस्पिरेंट होगा नेक्स्ट जो एग्जाम देगा एटलीस्ट दिल से वो करेगा ना, है कि नहीं। तो कुछ तो चेंजेस हुआ है, 14 में देखो वो नहीं हुआ, 17 में ये नहीं हुआ, लेकिन इस बार 2022 का जो पेपर लीकेज फियास्को है, ग्यामर पादन का जो सेक्रीफाइस है, हम लोग ऐसे बेकार में जाने नहीं देना है, वो है अगर। और उसके बाद में रहा जो नालिन बोहित का जो बात है, नालिन बोहित को भी अगर बोला जाए तो टू वी पैक स्टेट गवर्नमेंट सीएम सार भी अभी तक नहीं बोला है कि नहीं कर सकता। एक्चुअली नालिन बोहित को भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, हमको भी सब जनता भी अभी मालूम हो गया कि क्यों नहीं कर सक रहा, क्योंकि हर कम्युनिटी से कोई लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होके आया है, तो उसको हम लोग भी समझ देता है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन आप एक मिडिल पाथ तो निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं। और मिडिल पाथ ऐसे है कि हम लोग तो नालिन बोहित डिमांड तो करेगा ही करेगा, आप करना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सीएम आप हम लोग को बाधा कर चुका है, उसको आप कर देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा नालिन बोहित को। और उसके बाद में जो हम लोग का जो बाकी जितना भी डिमांड है और भी नहीं हुआ, सिर्फ सीबीआई ईडी को किया है, बाकी जो डिमांड टेक्निकली थी हम लोग अंदर में जाएगा तो बहुत सारा है। अगर नहीं होता है बोलने से हम लोग क्या करेगा कि इंडिपेंडेंट हम लोग धरना हम लोग प्रपोज करेगा आफ्टर दिस असेंबली सेशन, इसी ग्राउंड में हम लोग करेगा विद ड्यू परमिशन। और हम लोग बैठेगा जितना भी पीएजीसी है, हम लोग का पेरेंट्स है, और हम जितना भी एक्सपेरियंस और जितना भी पेरेंट्स है हम बोलेगा। देखिए सबसे वीकेस्ट पॉइंट हम लोग का इस मुहिम में क्या है कि जैसे कि हम आ गया, बट मेरा तो पेरेंट्स गार्जियन लोग आया है, लाइक वह जितना भी एक्सपेरियंस आता है अपना माँ पिताजी को लेके आना है। जब मारे कोई लोग चोर ऑफिसर हो गया, हम सबको चोर है हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ भी ऐसे है कि जो अच्छा जो ऑफिसर को भी माइंड ब्रेन वॉश कर रहा है ये लोग का एंटी नालेबे टीम वाला, हम सबको चोर नहीं बोल रहे हैं। कोई लोग यहाँ पे क्या है कि चोरी करके यहाँ पे अपना बोंती बायती को भी लेके आया है वो लोग का टीम में, आपको देखा होगा। लेकिन हम तो बोंती बायती को मत लाओ नहीं बोलेगा, लेकिन अपना पेरेंट्स को तो लाओ, है कि नहीं ना। वो पेरेंट्स को समझने दो, नेक्स्ट टाइम जब भी मूवमेंट होगा हम लोग जब बुलाएगा अपना जो एक एक्सपेरियंस का साथ में 4-5 तो हमेशा अपना पेरेंट्स लेके आओ, दोस्ती यारी लेके आओ। नहीं होने से ये स्टेट गवर्नमेंट अभी हम लोग का तपी मारा सार का जो उसका सिस्टर भी बोला है, क्योंकि वो भी स्ट्रगल किया ना, वो अगर यहाँ पे धरना नहीं बैठता ये जो एक्सपेडिशन जो पैसा एक्सपेंडिचर देना भी नहीं था, है कि नहीं। लेकिन इतना करने का हम लोग को नौबत क्यों दे रहा है कि नहीं। इसलिए अभी हम लोग वो तय कर रहा है कि पीएजीसी का तरफ से हम लोग इंडिपेंडेंट धरना यहाँ पे बैठेगा, पब्लिक लोग आप लोग आइए, और जितना भी जनता है और आप लोग को हम रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी आप लोग जो 1-2 रुपया हम लोग का पीएजीसी का अकाउंट में आप लोग डोनेशन कीजिए। और ये अकाउंटेबिलिटी ऐसे है आप लोग को बता रहा है, हम लोग का पीएजीसी के अकाउंट को ना तो तदक नालो यूज कर रहा है ना तो तचीपुर यूज कर रहा है। हम लोग का पीएजीसी में भी ऐसे अकाउंट कमेटी है, अकाउंट कमेटी का ऐसे है कि तीन आदमी का अकाउंट नाम पे ज्वाइंट अकाउंट है पीएजीसी का नाम में, इंडिविजुअल का नाम में नहीं। उसमें भी ऐसे है कि 2 आदमी का है, लेकिन जब चेक को रिलीज करेगा वो 2 आदमी जाके बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकता है, ऐसे है। तो हम लोग का अकाउंटेबिलिटी हम लोग मेंटेन किया है, इसमें कोई भी अगर यहाँ पे मीन्स बीच में हम देख रहा था कोई एंटी नालिन बोहित का पेरेंट्स ग्रुप बोल रहा था कि इसका भी अकाउंटेबिलिटी दिखा, हम लोग जरूर दिखाएगा, उसमें कोई हम लोग का शक का गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग को जो आप लोग जो डोनेशन देना है और भरपूर आप लोग दीजिए, क्योंकि हम तो चलो जो भी है गवर्नमेंट सर्वेंट अपना गुजारा कर लेता है, ये जो एक्सपेरियंट लोग है
सुबह शाम टेम्पो से आता ये सब आता है, बहुत तकलीफ होता है। और ये मोमेंट को अभी आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम तो अभी भी बोलता है, अगर एस्पिरेंट का तरफ से पीएचडी का तरफ से अभी बोलेगा नालेन वो दीमान को छोड़ दो, हम लोग छोड़ देगा, ये दीमान को छोड़ दो छोड़ देगा, पब्लिक लोग आप लोग भी बोलेगा हम लोग छोड़ देगा, है कि नहीं? लेकिन आप लोग छोड़ना है क्या इशू को, है कि नहीं? इस बार हम लोग अगर इशू को छोड़ेगा ये नेक्स्ट रिपीटेशन होते रहेगा, साइक्लिक जो रिपीटेशन है ना। इसलिए हम और भी जनता को रिक्वेस्ट करेगा कि आज जो जितना भी आया है ये भी काफी हम लोग का वो है, जनता आया है, लेकिन नेक्स्ट बार में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हम लोग बैठेगा, धरना बैठेगा, खाना पीना हम लोग को ला दीजिए, जो डोनेशन करना है पानी ला दीजिए, लेकिन इशू जब तक रिजोल्व नहीं होगा, लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे। थैंक यू।